नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सुरंग से रेस्क्यू किए गए बिहार के 5 मजदूर वापस लौटे घर। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए आज देर रात अपलोड होगा ई एडमिट कार्ड। बिहार को मिली 7 नेशनल गेम की मेजबानी। बिहार के यातायात नियमों में होगा बड़ा बदलाव। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए वनडे में संजू सैमसन की हुई वापसी। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सुरंग से रेस्क्यू किए गए बिहार के 5 मजदूर वापस लौटे घर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों में से बिहार के 5 मजदूर आज सुबह 8 बजे बिहार की राजधानी पटना पहुंच चुके हैं। ऐसे में उनका स्वागत पटना एयरपोर्ट पर श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम के द्वारा किया गया। बता दें कि सभी श्रमिक पूरी तरह स्वस्थ बताए गए हैं। वहीं अब ये सभी मजदूर अपने अपने घर भी पहुंच चुके हैं। इन्हें घर पहुंचाने के लिए बिहार सरकार की ओर से अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी की गई थी। मालूम हो कि बिहार के जो 5 मजदूर टनल में फंस गए थे उनमें सारण के सोनू कुमार शाह, भोजपुर के सबाह अहमद, बांका के वीरेंद्र किशु, मुजफ्फरपुर के दीपक कुमार और रोहतास के सुनील कुमार के नाम शामिल हैं। सभी मजदूरों को बिहार सरकार के द्वारा अपने खर्च पर बिहार लाया गया है। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए आज देर रात अपलोड होगा ई एडमिट कार्ड। 7 दिसंबर से 16 दिसंबर 2023 तक आयोजित होने वाली दूसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए ई एडमिट कार्ड आज देर रात अपलोड होने की संभावना है। ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थी शनिवार से ई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। बता दें कि दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का सेंटर प्रदेश के 38 जिलों में से 28 जिलों में ही दिया जाएगा। ऐसे में जिन 10 जिलों में सेंटर नहीं रहने वाला है उनमें गया, अरवल, शिवहर, शेखपुरा, भभुआ, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा और सुपौल जिला शामिल है। बता दें कि 28 जिलों में 662 केंद्र बनाए जाएंगे। मालूम हो कि 7 दिसंबर को संख्या सबसे कम होगी और केवल पटना में केंद्र होगा। वहीं 9 दिसंबर को परीक्षा केंद्रों की संख्या सबसे अधिक होगी। बिहार शिक्षक नियुक्ति में 4700 पदों के लिए आएगा पूरक रिजल्ट। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के द्वारा ली गई पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में बहुत जल्द ही पूरक रिजल्ट जारी किया जाएगा। बता दें कि पूरक रिजल्ट 4700 पदों के लिए जारी किए जाएंगे। इसको लेकर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा पदों का ब्यौरा बीपीएससी को भेज दिया गया है। बता दें कि विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 4700 पद वैसे अभ्यर्थियों से खाली हुए हैं जो एक से अधिक स्तर की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। यानी कि ये अभ्यर्थी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों स्तर की परीक्षा में सफल घोषित हुए हैं या इनमें से किसी दो में सफल हुए हैं। ऐसे में इन अभ्यर्थियों के द्वारा अपना योगदान किसी एक ही जगह पर दिया जा सकेगा, जिससे कि खाली पड़ी सीटों को लेकर पूरक रिजल्ट जारी किया जाएगा। बिहार को मिली 7 नेशनल गेम की मेजबानी। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री जितेंद्र कुमार राय के द्वारा बीते दिन प्रसिद्ध सोनपुर मेला के रमना मैदान में 10 दिवसीय आउटडोर खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के दौरान जानकारी देते हुए बताया गया कि बिहार को 7 नेशनल गेम की मेजबानी का मौका मिला है, जिसमें 32 से 33 प्रदेश की टीमें शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि इन 7 नेशनल गेम का आयोजन राज्य के 7 जिलों में किया जाएगा, जिसमें फुटबॉल का नेशनल गेम छपरा में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूली गेम में बिहार देश का दूसरा राज्य है। लव नौकरी पाओ के तहत हम लोगों ने स्क्रीनिंग कर ली है। दिसंबर के लास्ट तक उन लोगों को नौकरी दे दी जाएगी। इंटरनेशनल स्तर पर जो गोल्ड मेडल लाएंगे उनको बिना लिखित परीक्षा के अनुमंडल पदाधिकारी बनाया जाएगा। बिहार में करीब 45 लाख दाखिल खारिज के आवेदन रद्द। जमीन संबंधी मामलों के आवेदनकर्ताओं के द्वारा सही कागजात नहीं दिए जाने के कारण राज्य सरकार की तमाम कोशिशों के बाद दाखिल खारिज के करीब 45,13,355 आवेदन को बीते दिनों तक रद्द कर दिया गया है। वहीं इसके अलावा 6,88,459 दाखिल खारिज से जुड़े आवेदन ऐसे हैं जो विभिन्न स्तर पर प्रक्रिया में हैं या लंबित हैं। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिनों तक दाखिल खारिज के 1,17,90,569 मामले आए थे, जिनमें से 65,88,765 आवेदनों का निराकरण करते हुए दाखिल खारिज किया गया। मालूम हो कि इससे जुड़ा सबसे अधिक लंबित मामला पश्चिम चंपारण के चनपटिया अंचल का है, जहां करीब 9,729 दाखिल खारिज के मामले लंबित हैं। वहीं दूसरे नंबर पर 8,901 आवेदन के साथ पटना का फुलवारी शरीफ और तीसरे नंबर पर 8,864 आवेदन के साथ सीतामढ़ी का डुमरा अंचल है। व्हाट्सएप चैट करने पर 6 प्राइमरी शिक्षक नौकरी से हुए बर्खास्त। बिहार के पश्चिम चंपारण के बेतिया में शिक्षा विभाग के द्वारा व्हाट्सएप पर चैट करने के कारण करीब 6 शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर नौकरी से बर्खास्त करने का नोटिस जारी किया गया है और उनसे 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। ऐसे में अगर इन शिक्षकों के द्वारा 24 घंटे में जवाब नहीं दिया जाता है तो उनको बर्खास्तगी के साथ प्राथमिकी का भी सामना करना पड़ सकता है। दरअसल इन शिक्षकों के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में सरकार द्वारा जारी छुट्टी तालिका पर चैट किया गया था, जिसको लेकर विभाग के द्वारा इन शिक्षकों के खिलाफ यह कदम उठाया गया है। बता दें कि
विभाग की ओर से जो नोटिस जारी किया गया है उसमें शिक्षकों को भड़काने से लेकर सीनियर अधिकारियों को भड़काने का आरोप लगाया गया है। बिहार के यातायात नियमों में होगा बड़ा बदलाव, राज्य को जाम से मुक्त कराया जा सके इसको लेकर बिहार सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार छोटी बड़ी गाड़ियों के आवागमन को लेकर अगले 3 माह में यातायात नियमों में बदलाव की जाने वाली है। ऐसे में इसको लेकर विभाग के स्तर पर प्रस्ताव तैयार हो गया है। हालांकि नियमों में बदलाव किए जाने से पहले विभाग के द्वारा राज्य के जिलों से गाड़ियों की संख्या, किन सड़कों पर कितनी गाड़ियां चल रही हैं समेत अन्य बिंदुओं पर पूरे ब्यौरे की मांग की गई है। बता दें कि इस काम को करने के लिए विभाग के अधिकारी दूसरे राज्यों में जाकर अपना रिपोर्ट तैयार करेंगे। दरअसल कई शहर ऐसे हैं जहां रूट प्लान होने की वजह से जाम की स्थिति कम है, जिनमें गोरखपुर, हैदराबाद, कटक और बैंगलोर जैसे शहर के नाम शामिल हैं। छुट्टी विवाद को लेकर राज्यपाल ने बनाई कमेटी। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा 2024 में स्कूलों में होने वाली छुट्टियों को लेकर जारी किए गए कैलेंडर से जुड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में इस विवाद को देखते हुए बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर के द्वारा 3 कुलपतियों की एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी और मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति शामिल हैं। ऐसे में अब इनके द्वारा 2024 के लिए एक समान विश्वविद्यालय अवकाश कैलेंडर तैयार करने का काम किया जाएगा। बता दें कि इस संबंध में राज्यपाल सचिवालय की ओर से सूचना जारी कर दी गई है, जिसमें यह स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि राज्यपाल के निर्देश पर कुलपतियों की कमेटी गठित की जा रही है, जो 1 सप्ताह में रिपोर्ट राजभवन को सौंपने का काम करेंगे और उसके आधार पर राजभवन की ओर से छुट्टी की कैलेंडर जारी की जाएगी। बिहार दरोगा, परीक्षा के अभ्यर्थी डाउनलोड करें एडमिट कार्ड। अगर आप भी उन अभ्यर्थियों में से हैं जिनके द्वारा बिहार दरोगा परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया गया था, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि आज यानी कि 1 दिसंबर से बिहार दरोगा परीक्षा के अभ्यर्थी के लिए ई एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, जिसे अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.bpssc.bih.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि इसके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 17 दिसंबर 2023 को किया जाएगा। ऐसे में परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी अपने साथ परीक्षा केंद्र पर अपना ई एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट के साथ अपने वैध फोटो पहचान पत्र लेकर जाए। बता दें कि पहचान पत्र में आप अपने साथ अपना मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और आधार कार्ड ले सकते हैं। एम्बुलेंस से अवैध शराब बरामद। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। ऐसे में इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की ओर से लगातार प्रयास की जा रही है। बता दें कि ताजा मामला बिहार की राजधानी पटना का है, जहां गर्दनीबाग पुलिस के द्वारा गर्दनीबाग थाना इलाके के अनिशाबाद गोलंबर के पास से वाहन जांच के दौरान एक एम्बुलेंस से पंजाब निर्मित 1500 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। वह इस दौरान पुलिस के द्वारा एम्बुलेंस चालक की भी गिरफ्तारी की गई है, जिसकी पहचान कृष्णा कुमार के रूप में की गई है और यह मूलतः हरियाणा का रहने वाला है। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही। बता दें कि इस बात की जानकारी गर्दनीबाग थाना प्रभारी रंजीत कुमार रजक के द्वारा दी गई है। बिहार में बीपीएससी से शिक्षक बने युवक का बंदूक की नोक पर हुआ जबरन विवाह। एक बार फिर से बिहार में पकड़ुआ विवाह का मामला सामने आया है। बता दें कि यह पूरा मामला बिहार के वैशाली जिले से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार पातेपुर थाना क्षेत्र के रेपुरा गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पढ़ा रहे बीपीएससी से चयनित शिक्षक को कुछ लोगों के द्वारा अगवा कर लिया गया। बता दें कि जिस बीपीएससी शिक्षक को अगवा किया गया है उसकी पहचान गौतम कुमार के रूप में की गई है। वहीं जब इस बात की सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए संदिग्ध को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद उसकी निशानदेही पर छापेमारी जारी रही, जिसके बाद बीते दिन दोपहर में परिजनों को सूचना मिली कि शिक्षक का रेपुरा गांव में पकड़ुआ विवाह करा दिया गया है, जिसके बाद पुलिस के द्वारा अपहरण हुए शिक्षक और लड़की को बरामद कर लिया गया। अब शिक्षक का कोर्ट में बयान दर्ज कराया जाएगा। खेतों में पराली जलाने पर नीतीश सरकार ने 64 किसानों का रजिस्ट्रेशन किया रद्द। खेतों में पराली जलाने के मामले में बिहार सरकार के कृषि विभाग के द्वारा सख्त रुख अपनाते हुए बिहार के बगहा जिले के 64 किसानों के रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया गया है। बता दें कि सभी किसान सैटेलाइट से खेतों में पराली जलाते समय पकड़े गए थे। ऐसे में इन किसानों का रजिस्ट्रेशन विभागीय पोर्टल पर रद्द करने को लेकर कृषि निदेशक के द्वारा DAO को पत्र भेज दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार जिन 64 किसानों का रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिए का निर्देश दिया गया है, उनमें 39 किसान मैनाटार में पराली जलाते पकड़े गए थे। वहीं बगहा में 7, मधुबनी के 3-3, गोनाहा, बेतिया, योगापट्टी, नौतन, रामनगर, सिकटा के 1-1, नरकटियागंज, पिपरासी और लौरिया के 2-2 किसानों को खेतियों में पराली जलाते हुए चिन्हित किया गया है। बीपीएससी सहायक भर्ती के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन से जुड़ा अहम नोटिस जारी।
बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से बीपीएससी असिस्टेंट भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन को लेकर एक अहम नोटिस जारी किया गया है, जिस पर साफ तौर पर यह जानकारी दी गई है कि विज्ञापन संख्या 06/2022 के तहत सहायक बिहार लोक सेवा आयोग पटना के पद पर नियुक्ति के लिए 31 अगस्त 2023 को मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर हाल ही में प्रकाशित किया गया था। ऐसे में बीपीएससी असिस्टेंट मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन 4 दिसंबर 2023 को सुबह 10 बजे तक किए जाएंगे। बता दें कि अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन एक गठित टीम द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ पटना में किया जाएगा। अभ्यर्थी ध्यान रखे कि दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। वहीं संबंधित उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए निर्धारित समय से 1 घंटे पहले आयोग कार्यालय में पहुंचना होगा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर बीजेपी को जेडीयू ने घेरा। केंद्र शासित प्रदेश में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किए जाने पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार के द्वारा केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में आरक्षण के प्रावधानों को सही तरीके से लागू नहीं किया गया है। देश में 12 ऐसे राज्य हैं जहां ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू नहीं है। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संसद के द्वारा पारित किया गया, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में ईडब्ल्यूएस की सुविधा क्यों नहीं है। 12 राज्य जहां सामान्य वर्ग के गरीबों का 10% आरक्षण लागू नहीं है, वो या तो भाजपा शासित प्रदेश है या एनडीए शासित प्रदेश है या फिर केंद्र सरकार द्वारा शासित केंद्र शासित प्रदेश है। इसी तरह हरियाणा, गुजरात, गोवा, उत्तराखंड में भी 50% आरक्षण आज तक लागू नहीं है। साथ ही दादर नगर हवेली और चंडीगढ़ जैसे केंद्र शासित प्रदेश में भी 50% जातीय आरक्षण नहीं है। उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं है। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए वनडे में संजू सैमसन की हुई वापसी। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें से T20 में टीम इंडिया की कप्तानी सूर्य कुमार यादव को दी गई है, तो वहीं वनडे में केएल राहुल को कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं इसके अलावा वनडे टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की वापसी हुई है, जबकि सूर्य कुमार यादव का वनडे टीम से पत्ता कट गया है। बता दें कि चयनकर्ताओं के द्वारा वनडे में उनके खराब प्रदर्शन को देखते हुए यह फैसला लिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले संजू सैमसन अगस्त 2023 में वेस्ट इंडीज दौरे पर खेलते नजर आए थे, मगर उस सीरीज में उनके द्वारा कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखाया गया था। ऐसे में अब इस दौरे पर उनके पास खुद को साबित करने का एक अच्छा मौका है। अब बढ़ते हैं आज के 5 सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल है, दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की शुरुआत कब से हो रही है। ऑप्शन ए 7 दिसंबर, ऑप्शन बी 9 दिसंबर, ऑप्शन सी 16 दिसंबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 7 दिसंबर। अगला सवाल, बिहार शिक्षक नियुक्ति में कितने पदों पर पूरक रिजल्ट जारी किया जाएगा। ऑप्शन ए 4200, ऑप्शन बी 4500, ऑप्शन सी 4700, ऑप्शन डी 5000। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 4700। अगला सवाल, छुट्टी विवाद को लेकर राज्यपाल के द्वारा किन विश्वविद्यालय के 3 कुलपतियों की एक कमेटी बनाई गई है। ऑप्शन ए पटना यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी मुंगेर विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला सवाल, बिहार दरोगा परीक्षा का आयोजन किस दिन होने वाला है। ऑप्शन ए 5 दिसंबर, ऑप्शन बी 7 दिसंबर, ऑप्शन सी 15 दिसंबर, ऑप्शन डी 17 दिसंबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 17 दिसंबर। अगला सवाल, बिहार को कितने नेशनल गेम की मेजबानी मिली है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 8। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 7। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है मदन कुमार, मोहित, पूजा कुमारी, सोनू कुमारी, प्रमोदित कुमार, विक्रम कुमार, अभिषेक कुमार, मंटू कुमार, अमित कुमार, कुमार उमेश बिंद, मोहम्मद सकीर हुसैन, कन्हैया कुमार, ऋषिकेश शाह, मोहम्मद अफजल मंसूरी, राजकिशोर महतो, राजा कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा जो सख्ती अपनाई जा रही है उस पर आपकी क्या राय है। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूले। धन्यवाद।